Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about super trick for balancing redox reaction. So without wasting time, let's start it. याद रखने की बात क्या है? redox reaction के अंदर दो चीजें आती हैं. एक होता है oxidation, एक होता है reduction. जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे बोलते हैं oxidation, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसे बोलते हैं reduction. सपोज एग्जाम के अंदर कोई भी इस तरह की इक्वेशन दे देंगे, redox reaction दे देंगे और बोलेंगे कि इसे बैलेंस करो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे. जिस भी एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है उसे मानेंगे हम X. यहाँ पर हमें निकालनी है क्रोमियम की, उसे मानेंगे हम X. क्यों? क्योंकि Cr2O7 चेंज हो रहा है यहाँ पर Cr+3 में. तो क्रोमियम की यहाँ पर निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट. जिस भी एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है उसे मानेंगे हम X. कितने एटम है यहाँ पर क्रोमियम के? 2. यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 प्लस. ऑक्सीजन के लिए लेते हैं हम -2, यहाँ लिख देंगे हम -2. कितना एटम है? 7. यहाँ लिख दिया 7. फिर जो भी चार्ज होगा उसको लिख देंगे हम यहाँ पर -2. सोल्व करेंगे आगे, हमारे पास आएगा 2x, 7 टू जो 14 प्लस माइनस 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 का 14, माइनस का 2 है अंदर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0. सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 14 प्लस का 2 आएगा हमारे पास माइनस का 12. माइनस का 12 बाहर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12. एक्स इक्वल टू 12/2, 2 × 2 6 जा. तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 6. फिर आगे चार्ज, आयोडीन पे चार्ज कितना है? माइनस. तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा -1. फिर क्रोमियम पे चार्ज कितना है? +3. तो इसके लिए हो जाएगा +3. I2 ये क्या न्यूट्रल है तो इसलिए यहाँ पर रहेगा 0. अब यहाँ पर Cr2O7 माइनस चेंज हो रहा है यहाँ पर Cr+3 में, यानी क्या हो रहा है? 6 से 3 पे आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ पर -1 से 0 पे जा रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ रिडक्शन कितने का हुआ? 3 का हुआ. 6 में से 3 गए, 3 का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. और यहाँ पर -1 से 0 पे गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ कितने का? 1 का ऑक्सीडेशन हुआ. आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को सेपरेट आउट कर लेंगे. Cr2O7 को यहाँ पर लिख देंगे हम Cr2O72 माइनस से Cr+3, और I- से I2 पर. हमने क्या करा, यहां पर सेपरेट लिख लिया Cr2O7 माइनस यहां पर Cr+3 का क्या हो, रिडक्शन, और I- से क्या आ रहा है? I2, यानी यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 7. तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के नाम पे यहाँ पर क्या डाल देंगे हम, 7 मॉलिक्यूल H2 के, 7H2 लिख देंगे. तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बैलेंस, यानी 7 क्या हो गया? ऑक्सीजन. और हाइड्रोजन कितनी हो गया? 7 × 14. तो हम क्या करेंगे, इधर 14 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे. क्रोमियम कितना है? 2. इधर कितना है? 1. तो इधर हम क्या करेंगे, 2 क्रोमियम कर देंगे. हमारे पास 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन. इधर 3 का रिडक्शन हो रहा था, और जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन होता है. तो इसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे इधर, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का. तो इधर लिख दिया हमने 3. फिर इधर है I- से I2, इधर 1 है इधर 2 है, तो इसे बैलेंस कर देंगे हम 2I से. इधर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन. इधर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन. और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. तो इसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे प्रोडक्ट साइड, कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन का. तो यहां लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन. आगे हम क्या करेंगे, हमारे रिएक्शन तो होगी बैलेंस, मगर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या अभी क्या है? इम्बैलेंस. तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, और इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से. इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एज इट इज यही इक्वेशन मिलेगी. क्या आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O72 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन, 2Cr+3 प्लस 7H2. जब 3 से मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन के साथ में तो हमको मिलेगा 3
टू जा सिक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिक्स आई माइनस थ्री आई टू प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, बैलेंस। फिर आगे क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन। इनको ऐड कर देते हैं हम, यहाँ लिखेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस फोर्टीन हाइड्रोजन प्लस और सिक्स आई, सिक्स आई। आगे लिखेंगे इधर प्रोडक्ट साइड वाले, टू सी आर प्लस थ्री सेवन एच टू थ्री आई टू प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन इधर और थ्री इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगी रिजल्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन, क्या हो जाएगी हमारे पास, सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस फोर्टीन हाइड्रोजन प्लस सिक्स आई माइनस टू सी आर प्लस थ्री सेवन एच टू प्लस थ्री आई टू। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन। अभी इसे चेक करेंगे हम, ये बैलेंस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे हम एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिखेंगे हम आर एच एस यानी राइट हैंड साइड, और इधर हम लिख देंगे एलिमेंट। हमारी रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्रोमियम यहाँ लिख दिया हमने क्रोमियम, ऑक्सीजन इधर लिख दिया हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर लिख दिया हमने हाइड्रोजन और आयोडीन। क्रोमियम इधर कितना है लेफ्ट हैंड साइड, टू, राइट हैंड साइड कितना है, टू, यानी हमारा क्रोमियम क्या है, बैलेंस। फिर ऑक्सीजन देखेंगे हम, ऑक्सीजन इधर कितना है, सेवन, राइट हैंड साइड देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, सेवन, हाइड्रोजन कितना है, फोर्टीन, इधर कितना है, सेवन टू जा फोर्टीन, यानी बोथ साइड क्या है, फोर्टीन। और आयोडीन देखेंगे हमारे पास कितना है, सिक्स आई, इधर कितना है, थ्री टू जा सिक्स, यानी सिक्स, यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, हमारे पास एक और इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस, इसे देखेंगे हम ये बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले वही करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। यहाँ MnO4 से जा रहा है Mn2 प्लस, यानी Mn की क्या निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। सो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसे मानेंगे हम x, यहाँ लिख दिया हमने x। Mn का कितने एटम है, एक है, तो यहाँ एक ही रहेगा। ऑक्सीजन के लिए लेंगे हम -2, यहाँ लिख दिया -2। कितना एटम है, चार, यहाँ लिख दिया चार, और माइनस चार्ज -1। एक्स फोर टू जा एट, प्लस माइनस 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 का एट, और माइनस का वन अंदर आएगा, प्लस का वन इक्वल टू जीरो, माइनस का एट प्लस का वन या आ जाएगा हमारे पास माइनस का सेवन, माइनस का बाहर जाएगा ये हो जाएगा प्लस का सेवन। आगे है एफ ई पे कितना चार्ज है, प्लस टू, तो यहाँ पर एफ ई के लिए हो जाएगा प्लस टू। एम एन पे कितना है, प्लस टू, यहाँ पर आ जाएगा प्लस टू। और एफ ई पे कितना चार्ज है, यहाँ पर प्लस थ्री, यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस थ्री, यानी एम एन फोर माइनस यहाँ पर क्या रहा है, एम एन टू प्लस, सात से दो पे चार है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और दो से तीन पे चार है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन कितना का हुआ, सात से दो पे आ रहा है, यानी पाँच का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन कितने का हुआ, यहाँ पर एक से तीन पे जा रहा, यानी एक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इन दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेटली लिख लेंगे एम एन ओ फोर माइनस से एम एन टू प्लस, और एफ ई टू प्लस से एफ ई प्लस थ्री का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, फोर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, चार मॉलिक्यूल वाटर के डाल देंगे, जिससे होगी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी हमारी, बैलेंस, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन कितनी होगी, फोर टू जा एट, तो इधर कितनी ऐड कर देंगे हम, आठ हाइड्रोजन। एम एन कितना है, वन, इधर कितना है, एम एन वन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, इधर रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो इसी गेन को हम दिखाएंगे। इधर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, पाँच का, तो इधर लिख देंगे पाँच। यहाँ पर एक एफ ई, यहाँ पर है एक एफ ई, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ लिख दिया हमने वन। अब इक्वेशन तो बैलेंस है, मगर क्या इलेक्ट्रॉन अभी भी इनबैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हम फाइव से, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव एफ ई टू प्लस फाइव एफ ई प्लस थ्री प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन
सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन, या लिख देंगे हम 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Mn नो 4 माइनस 8 हाइड्रोजन 5 Fe2 प्लस Mn2 प्लस 4 हाइड्रो 4 H2O प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें रिजल्टेड इक्वेशन मिलेगी MnO4 माइनस प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 5 Fe2 प्लस Mn2 प्लस 4 H2O 5 Fe3 प्लस। अब इसे चेक करिए कि बैलेंस है कि नहीं है, या लिख देंगे हम एलिमेंट, या लिखेंगे LHS, या लिखेंगे हम RHS। एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं, Mn मैंगनीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन और आयरन Fe, या Mn कितना है 1, इधर Mn कितना है 1, यानी 1-1 क्या है बैलेंस। ऑक्सीजन देखेंगे 4 ऑक्सीजन, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 8, 4 2 8 हाइड्रोजन 8। Fe कितना है 5, इधर 5, इधर कितना है 5, इधर कितना है 5, यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। सो स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं इजीली। इफ यू लाइक द वीडियो द सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मोर एंड इजी लर्निंग कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू।